सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। श्वेता, तुम वहां क्या कर रही हो? वहां ऊपर क्या कर रही थी? अगर नीचे गिर जाओगी तो जेलर मैडम को जवाब कौन देगा? ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना, तो छोड़िए ना। ठीक है, जेलर मैडम तुम्हें बुला रही है, अंदर जाओ। गुड मॉर्निंग मैडम। श्वेता, तुमने बहन की शादी के लिए परोल के लिए अप्लाई किया था ना, वो सैंक्शन हो गया है। यहाँ पर साइन करो। थैंक यू मैडम, मुझे इसकी कितनी जरूरत थी आप ये नहीं जानती। इसमें क्या है श्वेता, जिन लोगों ने जुर्म किया था वो बाहर आराम की जिंदगी जी रहे हैं, और तुमने जो जुर्म नहीं किया उसकी सजा काट रही हो। मेरी तरफ से एक छोटी सी मदद जो मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। वो साड़ी दिखाइए, ये वाली। हाँ, वही वाली। पैक कर दूं? ओके, बिल बना दीजिए। वेगा, संभल कर। कैसे गाड़ी चला रहा है, पागल कहीं का? शिट, बच गई। गाड़ी घुमा। थैंक यू सो मच अंकल। संभल कर जाना बेटी।
भाई पुलिस। ए, रोक दे, रोक दे, रोक दे गाड़ी। श्वेता यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ दीदी के लिए साड़ी लेने आई थी, बस स्टैंड की तरफ जा रही हूँ। आओ मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ, तुम्हें मैं ड्रॉप कर देती हूँ। भाई वो बच के निकल गई। कैसे? पुलिस की गाड़ी में जेलर के साथ जा रही है। कोई बात नहीं, वो मुंबई ही आएगी, उसे मैं देख लूंगा। ठीक है भाई। चल चल शुरू कर। ये क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बच्ची की गलती थी, उसे क्यों मारा? तुम चुपचाप नहीं बैठ सकती? अरे अपने बच्चों को संभालो। सॉरी मैंने देखा नहीं। अब सॉरी बोलने से क्या फायदा, मारने से पहले सोच लेती। छोड़िए ना, I'm sorry. उन्होंने गलती से मारा होगा। I'm so sorry. मैंने... It's okay. हाथ है या हथौड़ा? मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। It's okay, it's okay. भाई थप्पड़ खा के भी आप चुप रहे? वो कह रही है ना कि उसने गलती से मारा। छोड़िए। वैसे कहाँ जा रहे हैं आप? यही पास में धर्मपुर। अच्छा धर्मपुर, वहीं पर मेरी भांजी की शादी है। ओ अच्छा, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? ठाकुर बलदेव सिंह। ओ और तुम्हारा नाम? मेरा नाम कृष। एक सेकंड। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ बोल। कुछ नहीं है। हाँ वहीं पर आ रहा हूँ, पर तू पिक करने आ जाना याद से। चल बाय। मम्मी मम्मी मुझे चॉकलेट दिलाओ ना प्लीज। ए, मैंने कहा ना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बैठ जाओ नीचे। तू बहुत जिद्दी हो गई हो, तुम्हारे पापा से शिकायत करने वाली हूं। रोने की जरूरत नहीं है, मैं चॉकलेट देता हूं। रहने दीजिए। नहीं कोई बात नहीं है, अब रोना बंद करो। भाई साहब एक चॉकलेट, एक पानी की बॉटल और एक बिस्किट का पैकेट देना। जी लीजिए भाई साहब। थैंक यू। ओए चॉकलेट? ये सब तुम्हारे लिए। अंकल को थैंक यू बोलो। थैंक यू। आपकी सीट है सर। जी हटा लेता हूँ। भाई साहब यहाँ जो लड़की थी वो तो आपके पीछे ही उतर गई। ओके ठीक है। ए रुको। ए क्या है? चुपचाप मुझे दे दो। क्या दे दूं? चेन चुराते वक्त मैंने तुम्हें देखा। मैंने कुछ नहीं चुराया, चलने का यहाँ से। चुपचाप देते हो या पुलिस को बुलाऊं? पुलिस बुलाएगी, मुझे पुलिस की धमकी दे रही है। चुपचाप दे दो वरना अच्छा नहीं होगा, जल्दी से निकालो वरना पुलिस को बता दूंगी। ये लो, पता नहीं सुबह किसकी शक्ल देखी थी। बीच रस्ते पर चैन लेकर एग्जीबिशन क्यों लगा रखा है, किसका है ये? श्वेता तुम आजाद नहीं हो, परोल पर बाहर जा रही हो। अगर बाहर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वो परोल को अफेक्ट करेगा, सो बी केयरफुल। ये मेरी ही है। यहाँ बहुत चोरी होती है, गले में डाल लो इसे। देख क्या रहा है, बस निकालना। भाई साहब यहाँ जो बस खड़ी थी वो कहाँ गई? वो बस तो बहुत देर पहले ही निकल गई। बस निकल गई? मेरा लगेज था उसमें। चलो निकालो ना जल्दी। वैसे कहाँ जा रहे हैं आप? यहीं पास में धर्मपुर। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? ठाकुर बलदेव सिंह। तुम्हारा नाम? मेरा नाम कृष। धर्मपुर जाने की बस कहाँ मिलेगी? 10 नंबर पे जाइए, वहाँ की कोई ना कोई बस धर्मपुर होकर जाएगी, आप उसे पकड़ लीजिए। भाई साहब आपका बैग पैर में लग रहा है, जरा ऊपर रखेंगे इसे। ये बैग लगता है उस लड़की का बैग है, गलती से छूट गया होगा। ठीक है इसे रख लेता हूं। धर्मपुर आ गया, किसी को उतरना है क्या? बस आ ही रही होगी। सुनिए धर्मपुर में कृष्ण का घर कहाँ है आपको पता है? धर्मपुर में कृष्ण नाम का कोई आदमी नहीं रहता।
ठाकुर बलदेव से। बलदेव सिंह के घर जाना है, यहाँ से सीधे 4 किलोमीटर तक जाओ, वहाँ किसी से पूछ लेना कि बलदेव सिंह के घर जाना है। यहाँ कोई गाड़ी नहीं मिलेगी? गाड़ी तो नहीं मिलेगी, अगर कोई उस तरफ जा रहा हो तो उससे मदद मांग लेना। ओके। हाँ, इस लड़की को मैं पहली बार यहाँ देख रहा हूँ। हेलो। हाय। मुझे धर्मपुर जाना है। हाँ? क्या आप छोड़ देंगे प्लीज? अच्छा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आइए आइए बैठिए। थैंक यू। आजकल की लड़कियां बहुत चालाक हो गई हैं। पता नहीं मुझे क्या समझ रही है। बाय द वे, मेरा नाम शिवा है। इस गांव में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं ही हूँ। आप चाहें तो मुझसे इंग्लिश में भी बात कर सकती हैं। क्या यार, कोई रिएक्शन ही नहीं दिया इसने। मैं सोच रहा था कि कल ये कार सर्विस में दे दूं, लेकिन अब इरादा बदल गया है मेरा। क्यों? अब आप इस कार में बैठ गई हैं तो इसकी धुलाई की कोई जरूरत नहीं है। मुंह बंद रखो वरना तुम्हारी ही धुलाई हो जाएगी। शिवा, अपना मुंह बंद करके चुपचाप गाना चला दे। तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? आप यहाँ किससे मिलने आई हैं? ठाकुर बलदेव सिंह से। बलदेव सिंह से? एक काम कीजिए, आप यहाँ से सीधे जाएंगे ना, वहाँ पर एक बंगला है, वहाँ पे कोई भी बता देगा बलदेव सिंह का घर। आप जाइए। ओके, थैंक्स। जी। हे भगवान, मैं तो फंस गया था। सुनिए जी, कॉफी लीजिए। वहां रख दो, अभी काम कर रहा हूँ। बड़ा कलेक्टर का काम कर रहे हैं। सुनिए, इस लकड़े को बार बार साफ करने से अच्छा है उन कबूतरों को वहाँ से उड़ा देते। मैंने तुमसे राय मांगी क्या? अरे भाग्यवान, ये वो लाठी है जिससे तो कितनों को पछाड़ा है मैंने। हाँ, जाओ जाकर अपना काम करो। बोलती है कबूतरों को यहाँ से उड़ाओ। कौन हो बेटा, किससे मिलना है? बलदेव सिंह से मिलना है। मैं बलदेव का बाप हूँ, मुझे बताओ क्या काम है। जी, ये चेन। हाँ, ये तो हमारा खानदानी चेन है। बेटी, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? दरअसल ये चेन कृष्णा बस। कृष्णा मेरा पोता है, पहले बताओ ये तुम्हें कहाँ मिली? ये चेन मैं और कृष्णा बस में। कृष्णा ने तुम्हें दी? क्या रिश्ता है तुम्हारा कृष्णा के साथ? नहीं, कृष्णा मैं ही मिसेस कृष्णा हूँ, कह दीजिए ना भाभी। भाभी? भाभी? हाँ माँ। कैसी हैं आप? आपके बारे में बहुत सुना था, आप ही के बारे में भैया बात करते हैं। भैया ने जैसा कहा था उससे ज्यादा खूबसूरत है भाभी आप। भाभी, गलत जगह लग गया था मैं तो। कृष्णा इसी लड़की से प्यार करता है क्या? क्या पूछ रही है काकी? प्यार करते हैं इसीलिए तो भैया ने हमारा खानदानी जेवर इनके गले में डाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जी मैं। किस खानदान से हो बेटी? कहाँ से आई हो तुम? सुनिए तो, साथ में पढ़ते हो क्या? तुम कहाँ से आई हो और ये चेन तुम्हें कहाँ से मिली? ओहो, आप सब भाभी के बारे में जानना चाहते हैं ना? नाम है गायत्री, मुंबई से है। नहीं रुकिए, मैं बताती हूँ ना। भैया और गायत्री साथ में पढ़ते थे, कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों प्यार में पड़ गए, है ना? जरा रुको, कोई भी लड़की हमारे खानदानी जेवर पहनकर आ जाएगी तो क्या हम उसे अपनी बहू मान लेंगे? ये हो ही ना बात, क्या सवाल किया है, आजकल इनका भी दिमाग चलता है। ये बताओ क्रिश कहाँ है? आप सब लोग मिलकर भैया की क्लास लेंगे इसलिए भाभी को यहाँ पटाने के लिए भेजा है। कई काम से एक लड़की मिली थी वो भी चली। क्या हुआ भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तुम बोलने दो। अरे भाभी, कब से आप बाहर खड़े रहकर बात कर रही है, अंदर चलिए ना। नहीं, मेरी बात तो सुनो। ऐसा नहीं भाभी, आप पहले अंदर चलिए। चलिए ना। वही रुको, पहली बार बहू घर पर आई है उसे ऐसे अंदर लाओगी क्या? दीदी, आरती की थाली लेकर आओ। आरती की थाली? हाँ बहू, आरती की थाली लाओ। लगता है अब मुझे एंट्री कर लेनी चाहिए। हे शिवा, लड़की से मिले क्या? क्रिश की गर्लफ्रेंड है। हाँ पता है पता है। नमस्ते, कैसी हैं आप? आते से मैं कोई मुसीबत तो नहीं हुई? हुई भी हो तो माफ कर दीजिएगा उसे, दरअसल पता नहीं था कि आप इस घर की बहू हैं इसलिए गलती हो सकती है। सही कह रहे हो शिवा, अगर इस घर की बहू से किसी ने रास्ते में बदतमीजी की होती तो उसकी हड्डी पसली एक कर देता। क्या हुआ आरती? चलिए भाभी अंदर चलते हैं। ये भाग क्यों रहा है? इतने सालों से देवी का त्योहार अच्छे से चल रहा है, हमारे लिए ये आखिरी साल है। अगले साल से इस त्योहार को सरकार खुद मनाएगी, इसलिए मुझे सबकी सहमति चाहिए
कि इस साल इस त्योहार को हम खूब अच्छे से मनाएंगे। कलेक्टर साहब, इस साल हम आखिरी बार त्योहार मना रहे हैं, यह हमारे गांव में होना चाहिए, क्योंकि पिछले 5 सालों में हम ही लोग लट्ठूबाजी में जीतते चले आ रहे हैं। क्यों रे काली, जीत का भूत अभी तक नहीं उतरा? हाँ, दोनों गांव वाले इसे लेकर झगड़ा करें, मैं ये नहीं चाहता। इस साल आप दोनों गांव के लोग मिलकर मनाएंगे, मैं ये चाहता हूँ। साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी बात मानेंगे तो हमारे गांव की बेइज्जती नहीं हो जाएगी? देवी पूजा करने से पहले हमें लठबाजी में हरा कर दिखाओ। बोलो। जीजा जी, मैं आ रहा हूँ। अब तक वो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये आप ही बताते आए हैं। देवी की पूजा हमारे यहाँ ही हो, ये कोई जरूरी नहीं। आज तक जिस श्रद्धा से हमारा गांव ये पूजा करता आया है, इस साल भी उसी श्रद्धा से ये पूजा की जाएगी। मैं चाहता हूँ ये पूजा बिना किसी रोक टोक के हो, और आपको इसका रास्ता निकालना होगा। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं आता हूँ। ये नारियल की चटनी खाकर देखिए। शर्मा क्यों रही हो? आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। चटनी बनने वाली है। हाँ, एक बार खाकर देखिए। मेरी बात तो सुनिए ना भाभी। खा लीजिए भाभी जी, होने वाले ससुर की बात ही है। इसे आपकी सास ने बनाया है, खाइए। अरे खाइए ना भाभी। ये सब क्या हो रहा है? आओ ठाकुर। भाभी, पापा आइए ना। अभी तक पूछताछ नहीं की, ये कौन है? बताओ बेटा, कौन हो? ये भाभी है पापा। मैंने तुमसे पूछा, तुम बोलो बेटा। जब से यहाँ आई हूँ ये लोग मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। बस में आपका बेटा और मैं। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? एक मिनट रुकिए। बोलो बेटा, बस में मेरा बेटा क्रिश और तुम। अब भाभी आप ही बोलिए। हाँ बेटा, तुम ही बोलो। नहीं, आपके बेटे ने एक गलती। क्या गलती की मेरे बेटे ने? नहीं नहीं, दरअसल बात ये। आराम से बताओ बेटा, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, इनके बेटे से तुम्हारा क्या रिश्ता है, सारी बातें डिटेल्स में बताओ। चुप रहोगे? इस लड़की को देखो क्या हुआ। पानी ले जाओ। हाँ, ये लीजिए पानी, उसके मुंह पे मारिए। लगता है सफर के बाद थक गई है। हाँ ठीक है, चलो अंदर ले चलो। हाँ आराम से। सबने मिलके आरती उतारी थी ना उसकी, अब देखना। आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं। ये बात सबको पहले से ही पता थी या अभी पता चली? नहीं जी, अभी पता चली, पर दिव्या को कृष्ण ने पहले से बता कर रखा था। जैसे इस घर में सबसे बड़ी वही है। ए शिवा। हाँ बोलिए। जरा कृष्णा को फोन करो तो। ट्राई किया था लेकिन फोन नहीं मिला। फिर से ट्राई करो। हाँ करता हूँ। रिंग जा रही है लेकिन फोन नहीं उठा रहा। फोन भी नहीं उठा सकता, ऐसा कौन सा काम कर रहा है? कहाँ आकर फंस गई? Happy birthday to you, Happy birthday dear Gayatri, Happy birthday to you. ये लो। Thank you. Nice. आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये पहला बर्थडे है जो तुम मेरे साथ सेलिब्रेट कर रही हो। ये बर्थडे मेरे लिए भी स्पेशल है। ये मेरा लास्ट बर्थडे मैं इंडिया में सेलिब्रेट कर रही हूँ। नेक्स्ट बर्थडे यूएस में मनाएंगे, सिर्फ तुम और मैं बस। सिर्फ सोचती हूँ फिर भी कितना अच्छा लगता है। हे, वीजा रेडी हो जाएगा, वो प्रोसेस में है। घर वालों को बताने वाले थे ना, बात की तुमने? उससे पहले अगर तुम एक बार घर आ जाती तो बात करने में आसानी होती। जरूर आऊंगी, पर कब आऊंगी ये पता नहीं, किसी दिन अचानक आकर उन्हें मैं सरप्राइज दूंगी। वैसे इस वक्त मेरे पास भी एक सरप्राइज है। हाँ? टन टडा, मैनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। मैंने बहुत ढूंढने के बाद ये स्पेशल चीज तुम्हारे लिए लाई। अच्छा लगा।
मैं साड़ी कहाँ पहनती हूँ, लवर को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए ये भी तुम्हें पता नहीं? ए, जो मुझे चाहिए वो मैं ले ही लूंगी। सुनिए जी, एक अनजान लड़की हमारे क्रिश से प्यार करती है ये कहकर सारी रात हमारे घर में रुकी रही, आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? अब मैं क्या कह सकता हूँ, तुम्हारे बेटे ने फैसला किया है, तुम सबने उसकी आरती भी उतारी है, अब मैं क्या बात करूँ उससे? तो क्या हुआ, हमें लड़की के बारे में पूछताछ नहीं करनी चाहिए क्या? बेटा, हाँ जी, हाँ जी। कृष्णा से बात हुई या नहीं? ट्राई किया था, नंबर नहीं लगा। कब ट्राई किया? कल रात को। सही, तुझे गाली देता हूँ मैं। जी जी। फोन लगाओ से फिर से। हाँ। स्पीकर ऑन करो। ठीक है जी जी। हेलो। अरे कहाँ हो भांजे? रूम पर हूँ। बोलो ना मामा। तुम्हारे लव के बारे में घर पे सबको पता चल गया? ऐसे पता चला होगा, कहीं दिव्या ने तो नहीं बता दिया? कुछ बोल रहे हो? उसने घर पे सबको बता दिया क्या? हाँ बता दिया। पापा, पापा ने क्या कहा? हाँ, स्पीकर ऑन करने के लिए बोला है। हाँ तो ऑन कर दो ना। मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा, और मैं किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहता। ठीक है ठीक है। आ कब रहे हो तुम? मैं बहुत बिजी हूँ मामा, बहुत काम पड़े। काम गया भाड़ में, कल सुबह उसे यहाँ आने के लिए बोलो। पापा, बता ना दिव्या कहाँ ले जा रही है मुझे। चलिए ना भाभी, पहली बार गांव में आई है, घर पर बैठकर क्या करेंगी, इसलिए पूरा गांव देख लीजिए। इसी रास्ते से बस स्टैंड भी जा सकते हैं ना? जा सकते हैं, पर लंबा रास्ता है। क्या हुआ भाभी, आप भैया को सरप्राइज देना चाहती है क्या? कौन है ये दिव्या? ये गायत्री है, मेरे भैया की इनसे शादी होने वाली है। एक मिनट दिव्या, मैं कॉल करके घर पर बात करते हैं ना भाभी। नहीं दिव्या, अर्जेंट है, शादी में आप जरूर आइएगा। हाँ, अग्रवाल से आपको कार्ड देना मत भूलिएगा। हाँ, कौन है? रुको रुको, मैं देखता हूँ। ऊपर जाकर चल रहे। Hey, तेरी बहन श्वेता कहाँ? श्वेता? वो यहाँ क्यों आएगी? Hey, बकवास बंद कर और बता कहाँ है वो? वो तो इस वक्त जेल में है। वो परोल पर बाहर निकली है, उसे वही खत्म कर देता, लेकिन बच गई वो। बोल कहाँ है वो? बोल। ठीक है आता हूं। भाई वो यहां नहीं है, लगता कहीं और छुपी है। मैं जानता हूं तेरी बहन तुझसे बहुत प्यार करती है, वो चाहे कहीं भी होगी मुझसे बच नहीं सकती। तेरी शादी के लिए ही वो बाहर आई है ना, उसी दिन उसे खत्म कर दूंगा। ए, तेरी शादी तक उसे जहां छुपना है छुप ले, लेकिन उस दिन तो आएगी ना। चलो। चलिए भाभी, देर हो रही है। हाँ? हाँ?
दादाजी, दादाजी, क्या हुआ आपको? दादाजी क्या हुआ? ये आपको क्या हो रहा है? दादाजी, ये तो दादा को मार रही है। अरे आइए जल्दी आइए, कहाँ ले जा रहे हैं? क्या हुआ? अरे बाप रे, अरे घर पे आई लड़की दादा और गाड़ी को लेकर फरार हो गई। अरे शिवा, जीजा जी वहाँ। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ डॉक्टर? कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़ा गैस ट्रबल था, जाकर देख सकते हैं। एक कॉल कर सकती हूँ? हाँ कर लीजिए। हेलो दीदी, मैं श्वेता बोल रही हूँ। हे, कहाँ हो तुम? कुछ नहीं, बस एक मुसीबत में फंस गई। मुसीबत? अब फिर से क्या हुआ? टेंशन की कोई बात नहीं है दीदी, एक गधे की मदद करने के चक्कर में उसके परिवार में फंस गई हूँ। वो सब छोड़ो, मैंने फोन इसलिए किया है कि मैं वापस आ रही हूँ। सुनो, तुम यहाँ पर मत आना, पहले ही यहाँ तूफान आया हुआ है और तुम यहाँ आने की बात कर रही हो। कैसा तूफान दीदी? मैंने तुम्हारे बारे में यहाँ किसी से बात नहीं की है। अपनी बहन के बारे में बताने में कैसी शर्म? मेरी बहन परुल पर आ रही है, ये बताऊँ? मेरे घर वालों से मैं ये नहीं कह सकती। मैं सिर्फ तुम्हें थोड़ा वक्त देने के लिए कह रही हूँ। तब तक परुल का टाइम खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं यहाँ से निकल गई हूँ और वहीं आ रही हूँ। देखो श्वेता, अगर तुम यहाँ आओगी तो मेरी शादी रुक जाएगी। क्या तुम ये चाहती हो? तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ? अब तुम जहाँ पर हो वहीं पर रुको, वही तुम्हारे लिए सेफ है। इससे तो अच्छा होता कि मैं जेल में ही रहती। मेरी बात मानो, जरा सब्र करो, वक्त आने पर मैं घर वालों से तुम्हारे बारे में बात करके तुम्हें बताऊंगी, ठीक है? हेलो दीदी, मुंह बंद हो गया इनका, तीखी चीजें बहुत खाई है ना, अब तीखी चीजें बिल्कुल बंद। हम कुछ नहीं देते, ये खुद ही बाहर खाकर आते हैं। इस मर्ज की कोई दवा है डॉक्टर? दवा दे दी है, लेकिन जरूरी है कि थोड़ा चलना फिरना किया करें। चलना पड़ेगा, और नहीं तो क्या, उल्टा सीधा खाकर पेट में गैस भर लिया, निकालना तो होगा ना। जीजा जी आप चलिए, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं, ये ले आएगा। संभल कर ले आना शिवा। हाँ, ठीक है। माँ आओ। महारथी, कॉलेज में पढ़ाई करने गए थे या इश्क फरमाने? जाओ जाओ। माँ ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ आ गया। आओ बेटा, सब कुछ करके हाँ, ऐसे खड़ा है जैसे कि कुछ किया ही नहीं है। शादी के पहले? चुप रहो ना मामा। क्यों भैया, मुझसे भी छुपाया, सरप्राइज देने वाले थे। ओहो, ऐसा क्या किया है मैंने? जाकर उससे ही पूछ लो। किससे पूछूं? उसी से जिसे तुमने भेजा है। मैंने भेजा है? कौन? गायत्री? अरे वाह, उसने तो बहुत जल्दी सरप्राइज दे दिया। वो कहाँ है? रूम में। कहाँ जा रहा है? अरे सुन तो। क्यों दादा, जिस स्पीड में भाग कर गया है लगता नहीं है कुछ ज्यादा एक्साइटेड है, कुछ गलत हो गया तो? अरे कुछ गलत कैसे होगा, वो मेरा पोता है, इस घर का चिराग, तुम जाओ। किसी ने सिखाया नहीं कि अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए? ओए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ तो तुम्हारी उस चेन के चक्कर में मैं यहाँ फंस गई। तो तुम ही हो जिसने मेरी चेन चुराई थी, चोर? क्या कहा, चोर? सोने की चेन को वापस लौटाने वाले को अच्छा टाइटल दिया है। तो फिर घर पे सब लोग तुम्हें गायत्री क्यों समझ रहे हैं? तुम ट्यूबलाइट हो क्या, अब बात समझ आई तुम्हें? तो ये क्यों कहा कि तुम मेरी लवर? मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हारे घर वाले ही मुझे लवर समझ बैठे। एक मिनट, तुमने चेन लौटा दी तो सीधे निकल जाती ना? ठीक है, मेरा बैग दे दो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बैग? कौन सा बैग? वही बैग जो बस में तुम्हारे पास रख के आई थी। ए, मेरे पास कोई बैग नहीं है समझी। हा? चलो यहाँ से निकलो। मजाक कर रहे हो ना, उस बैग में मेरी बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जब तक बैग नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगी। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पास नहीं है। वैसे भी वो बैग तुम्हारा था तो तुम्हें ध्यान देना चाहिए। देखो तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो, तुम जब यहाँ आई थी ना तुम्हारे सामान के साथ ही तुम्हारा बैग होगा, जाओ जाके देखो। मैं क्यों देखूं, जब तक बैग नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुमसे जो हो सके वो कर लो। मुझे डरा रही हो क्या? चलो चलो मेरे साथ। अरे चलो, छोड़ो मेरा हाथ।
हाँ? अरे भैया छोड़ो, मम्मी को ऐसे क्यों लेकर आ रहे हो? क्या मां तुम भी, किसी को भी घर में ले लेती हो। पहले उसका हाथ छोड़। गायत्री क्या हुआ बेटा? अरे ये गायत्री नहीं है। तो फिर इसके पास वो चेन कहां से आई? आया नहीं दादाजी, इसने चुराया था। अच्छा हुआ तूने ये नहीं कहा कि ये जेल से छूटकर आई है। तुम घबराओ नहीं बेटी, हम इतने बड़े बेवकूफ नहीं जो इसकी फालतू बातों पर विश्वास कर लेंगे। क्रिश जो कह रहा है वो सच है। बताओ, तुम ही बताओ कि सच क्या है और झूठ क्या है। जैसा आप लोग सोच रहे हैं, क्रिश मुझसे प्यार नहीं करता। सुन लिया? मैं यहाँ क्रिश की चेन वापस करने आई थी, पर यहाँ आप सब लोगों का प्यार देखकर मैंने अपना फैसला बदल लिया। अगर मैंने आप सब लोगों का दिल दुखाया हो तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, लेकिन ये सच है कि मैं क्रिश से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे और कुछ मत पूछिए, मैं चलती हूँ। जाओ यहाँ से। ठहरो बेटी। अब तक तुम दोनों साथ नहीं थे, इसीलिए मुझे लगा पूछना सही नहीं होगा। अब दोनों साथ हो तो पूछ रहा हूँ, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? आप उससे क्यों पूछ रहे हैं? मुझसे पूछिए ना, मैं बताता हूँ आपको। तुम चुप रहो, बताओ बेटी। मैं और क्रिश पिछले 2 साल से एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर हम दोनों के बीच एक छोटी सी गलतफहमी हो गई। उस दिन से ये ना मुझसे मिला और ना मुझसे बात की, इसलिए मैंने सोचा कि उसके घर जाकर उससे माफी मांग लूं और इससे ये पूछूं कि मुझसे कौन सी बड़ी गलती हो गई। ओ तेरी, इतना झूठ, सब झूठ बोल रही है। ए, ये रो कर इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? ड्रामा वो करते हैं जो झूठ बोलते हैं, और मैं तो बिल्कुल सच कह रही हूँ। इतने पवित्र मन वाली लड़की की जुबान से ही इतनी पवित्र बातें निकल सकती है, वारे ऊपर वाले। आमीन। ए नालायक, एक लड़की को धोखा देते तुझे शर्म नहीं आई? हमारे खानदान में आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया। देख उसकी तरफ, इतनी अच्छी लड़की कभी झूठ नहीं बोल सकती। मेरी बातों में आ गए हैं। हाँ, ये तो हो रही है। कैसे बताऊं, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। क्यों रे क्रिश, क्यों रुला रहा है तू इसे? फ्रॉड फ्रॉड कहकर एक लड़की को धोखा दे रहे हो। अरे उसके आंसुओं को देखकर बेवकूफ मत बनो, आप सब उसकी बातें सुन रहे हैं, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है। एक बार तो मेरी बात सुन लीजिए। हाँ सही कह रहा है, अपने घर के लड़के पर हम कैसे शक कर सकते हैं? ठीक कहा, अपने लड़के पर बिना सबूत के कैसे शक कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो आप काका जी। मैं बताऊँ क्या सबूत है? इसके पास खानदानी जेवर है, ये बात मेरे सिवाय इस घर में और कोई भी नहीं जानता था। देख तू अपनी बकवास बंद कर। तुम चुप बैठो, बड़े आए धोखेबाज कहने वाले। ठीक है मान लेते हैं ये मेरी लवर है, इसे मेरे बारे में कुछ बताने को कहिए। ए, ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मेरे बारे में क्या जानती हो ये बताओ। क्रिश तुम्हारे बारे में छोड़ो, याद है तुमने मुझसे एक बार कहा था कि तुम्हारी फैमिली के सारे लोग मुझे सिर आंखों पर रखेंगे, तुम्हारी माँ मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार करेंगी। तुमने जो भी मुझसे कहा था ये उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। तुम मुझसे नफरत करते हो मुझे इस बात की फिक्र नहीं, लेकिन अपने परिवार के सामने मुझे झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हो, इस बात का दुख है। माँ जी तुम तो गए, चाहिए मुझे कुछ भी कहे आप इससे कुछ मत कहना। इतनी अच्छी लड़की का दिल आखिर तू कैसे दुखा सकता है? तुम्हारे जैसे के लिए इससे अच्छी लड़की और मिल ही नहीं सकती। तुम्हारी बात में दम नहीं है। आप उससे कुछ मत कहिए, मुझे जो चाहे कह लीजिए। अरे सुन रहे ना इस मासूम की बातें, एक देवी जैसी लड़की को घर से बाहर निकालने की बात कर रहा है। कल को अगर मुझे कुछ हुआ तो हॉस्पिटल कौन ले जाएगा? मतलब तीखा खाना आप इस जन्म में नहीं छोड़ेंगे? चुप, कुछ भी हो जाए मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा। दादाजी वो एक्टिंग कर रही है। हाँ दादाजी एक्टिंग खत्म हो गई, अब मैं जा रही हूँ। रुको बेटी, तुम्हें इस घर से कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम अंदर जाओ। बरसों पुराने पुश्तैनी जेवर जिस लड़के ने चुराए हैं उस पर कैसे विश्वास कर लूं? कोई और सच कह रहा है या झूठ कह रहा है मुझे नहीं पता, पर तुम सच कह रही हो। पापा किसी लड़की का श्राप लेने की हिम्मत मुझ में नहीं है, वो इससे शादी करता है तो यहां रह सकता है, नहीं तो वो कहीं और जाकर रहे, यही मेरा आखिरी फैसला है। तुम अंदर जाओ बेटा। तू खड़ा होकर क्या कर रहा है, चल अंदर। माँ ए देखो देखो ये हंस रही है, अरे देखो हंस रही है, देखो सबको सिर्फ रोना दिखता है।
कुछ भी कहो भांजे, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। अरे आपके सर की कसम खा के कहता हूँ मामा, मैं उससे एक ही बार मिला हूँ। वो चेन मुझसे कैसे खो गई और वो उसके हाथ कैसे लग गई और वो यहाँ कैसे पहुंची, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। जान पहचान नहीं थी तो भाग के ऊपर क्यों गया? वो गायत्री है, मुझे लगा इसीलिए मैं यहाँ आया, पर आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं। देख भांजे, कंप्यूटर के सामने बैठ के तू भक्ति के भी गाने सुनेगा ना तो लोग यही समझेंगे कि तू उल्टी सीधी फिल्में देख रहा है। तेरा समय खराब चल रहा है भांजे। हाँ सही कह रहे हैं आप मामा, उसे यहाँ से निकालने का रास्ता बताओ ना प्लीज। तेरा उसका कोई चक्कर तो नहीं है ना? छी छी, नहीं। सच में? सच में। वादा करता है? ए, उसे घर से बाहर निकालने का रास्ता बताओ। अगर तेरा चांस नहीं है तो एक काम कर, मेरा नंबर लगवा दे। देखो देखो कैसे घूर रहे, मुझे पता था। ऐसा कुछ भी नहीं है मामा। नहीं है तो कसम खा, चोर की दाढ़ी में तिनका। पहले बताओ तो। ठीक है, आजा चलते हैं, घर पे आराम से बैठ के बात करेंगे। क्यों? आजा, आजा। आपको घर पे आइडियाज आते हैं? हाँ, क्या? एक बात बता, शहर से कुछ लाया है कि नहीं? जूस अंदर, आइडिया वाह। भांजे क्या बात है मामा, गेटअप भी चेंज कर लिया? लव बेटा लव। सुबह के 10:30 बज रहे हैं, तुम अभी तक निकले नहीं? कहाँ? हे, तुम्हीं ने मिलने के लिए कहा था ना? पर तुमने तो कहा था कि निकालने का आइडिया दोगे। दोनों एक ही है, चल ना चलते हैं। चल। जाओ ना मामा। हे, टाइम निकल जाएगा, चल ना भांजे। तुम ऐसे ही आने वाले हो क्या? मजाक मत उड़ाओ, चल। मजाक और मैं? और नहीं तो क्या, कमल हासन से कम लगता हूँ क्या मैं? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, रूप मस्तानी कब आएगी तू? नन 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 नन। क्यों शांति, आज तुम्हारी साड़ी की चमक कहाँ चली गई? चमका के क्या फायदा, ये फिर से गंदा हो जाएगा। तुम चोर हो, फ्रॉड हो, ये सबको बताने वाला हूँ। चुपचाप मुझे दे दो। दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं, अपनी बहन को जिसे तुमने उल्लू बनाया, उसे भी तो पता होना चाहिए ना। तुम देते हो या नहीं? दो मुझे। दो। ए! अरे भांजे! भांजे, तुम दोनों को एक साथ देखकर मेरे दिल की धड़कन बंद हो गई थी। जब मेरी आवाज सुनकर तुम टक से पलटे, तब दिल का धड़कना शुरू हो पाया। पहले तो ये दिल का धड़कना बंद करो। मामा, उसे भगाने का प्लान बताओ ना यार। बताता हूँ। एक काम करते हैं, उसे उठा लेते हैं। सिनेमा में जैसे फाइट मास्टर रोप वाली रस्सी से उठा लेता है, वैसे रोप। हाँ, रोप से। सोच मत भांजे, आजकल की लड़कियों को अच्छी बातें समझ में नहीं आती, बुरा बनना पड़ता है उनके साथ। मैं भी कितने सालों से अच्छे इंसान की एक्टिंग कर रहा हूँ, अब क्या करें? दिव्या, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। ए, क्या हुआ? दिमाग में कोई आइडिया आया क्या? आइडिया बदल दिया मैंने। क्या हुआ?
मैं तो तुम्हारा लवर हूँ ना। ए, ए, रुको, तुमने मुझे घर से बाहर निकलवाया था ना? हाँ तो? यहाँ पे आके गलती करने वाली तुम हो और सजा मैं भुगतूं, हाँ? रुको, ए, तो तुम्हें लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, हाँ? बच नहीं सकती मुझसे। देखो, मैं कह रही हूँ मुझसे दूर रहो वरना मैं चिल्लाऊंगी। कहाँ बच कर जाओगी, ये घर मेरा ही है। रोमांस करने से पहले दरवाजा लॉक करते हैं, तुम्हें इतना भी नहीं पता? आओ, कम ऑन, क्या कह रहे थे तुम? हाँ, बचोगी नहीं, ऐसे ही कह रहे थे ना, बताओ। मैंने नहीं बोला है, देखो कुछ पागलपन मत करना। डरो मत क्रिश, मैं ना ही डरूंगी ना चिल्लाऊंगी और ना ही किसी को आवाज दूंगी। अब क्या इरादा है तुम्हारा? हाँ, क्रिश, जितना मैं अपने आप को जानती हूँ उतना ही तुम्हें भी जानती हूँ। जिस इंसान का दिल साफ होता है ना, वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। जाओ, जाकर कोई और आइडिया सोचो। श्वेता बोल रही हूँ। दीदी प्लीज फोन मत काटना। तो ये अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती तो मत करो, पर मेरी पापा से बात करवा दो प्लीज। गाड़ी निकालो। रुकिए, वहाँ मत जाइए प्लीज, मेरी बात मानिए, वहाँ मत जाइए। ओ, सब यहीं पर है क्या? चलो अच्छा हुआ। आज मैं सबके सामने साबित कर दूंगा कि वो गायत्री नहीं है। श्वेता, फंस गई, फंस गई ना। मैंने जब कहा तब किसी ने नहीं माना, अब देखो। ए, क्या हुआ? हाँ, अब क्यों मुंह लटका के खड़ी हो? अब तुम्हारा कोई झूठ तुम्हें बचा नहीं सकता है। ए, टीवी बंद कर और यहाँ देख, तुम सब इसे गायत्री समझ रहे थे ना, अब सब देखिए। दादाजी आप भी देखिए, देखो देखो, चोर पकड़ा गया है। क्यों ये नाम बार बार ले रहे हो? ये नाम मेरे सामने मत लेना, कितनी बार कहा है तुम्हें, तुम्हें समझ नहीं आता? छी, क्यों कृष्णा, क्यों ये नाम लेकर बार बार मुझे टॉर्चर करते रहते हो, क्यों? श्वेता, ये कौन है बेटा? मैं आपसे पहले भी कहना चाहती थी, क्रिश और मेरे झगड़े की वजह वही लड़की थी। माँ जी, इसे उसी लड़की से शादी करने दीजिए, इसी की खुशी में मेरी खुशी है। लेकिन जब इसकी बेटी होगी तब उसका नाम गायत्री ही रखिएगा माँ जी। मैं जा रही हूँ, लेकिन आप लोगों को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। अरे अकल के अंधे देख रहे हो? बिल्कुल अंधा हो गया है ये। अरे कल को मुझे कुछ हो गया तो हॉस्पिटल कौन पहुंचाएगा मुझे? सही कहना था। लड़की को झूठा और गलत साबित करने वाला तेरे जैसा गधा मेरे खानदान में कैसे आ गया? देवी जैसी लड़की को गलत साबित कर रहा। नहीं कर रहा, बोल। आप इसे मारिए मत प्लीज, चाहे तो मुझे मार लीजिए। नाटक बंद कर, तूने उसे धक्का दिया। अरे रुक जाओ, अरे वो नाटक कर रही है यार, अरे वो झूठी है। अरे सुनो, उसी का नाम शोता है। अरे झूठ बोल रही है वो। सुन बेटा दिव्या। क्या माँ? जाकर अपने भैया को खाना देकर आ, बेचारा कब से भूखा बैठा होगा, ऊपर से शिवा भी घर पर नहीं है। देखो माँ, मैं नहीं जाऊंगी, अगर एक वक्त उसने खाना नहीं खाया तो मर नहीं जाएगा। अपने भाई से जरा भी प्यार नहीं है तुझे, अब मैं किसके पास जाऊं? माँ जी मुझे दे दीजिए, मैं और दिव्या जाकर देकर आते हैं। ठीक है। भाभी, क्या अभी भाई ने आपकी इतनी इंसल्ट की,
और फिर भी आप उसके लिए खाना लेकर जा रही हो? कोई बात नहीं दिव्या, वो भूखा है। आजकल के लवर्स को समझना मुश्किल है, पता नहीं ये प्यार क्या है। ए, ज्यादा बकवास मत कर, भैया को खाना देकर आ। ले चल, चलते हैं। ये चावल की बोरियां अब तक गई क्यों नहीं? बोरियां भर के रखी हैं। हाँ। लॉरी का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही लॉरी आएगी भेज देंगे। मैं भाई पर गुस्सा हूँ, आप ही लेकर जाइए। आप लॉरी वाले को बुलाइए और उसे ये माल पहुंचाने के लिए कहिए, ठीक है? क्या हुआ, अपने पति के लिए खाना लेकर आई हो क्या? देखो कृष, सारी गलती तुम्हारी है। मैंने कहा था कि मेरा बैग दे दो, तुम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हो, कहीं भूखे रह जाओगे, इसलिए तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। तुम कौन होती हो मुझे सिंपति दिखाने वाली? तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता हूँ, मेरी थोड़ी भी परवाह होती ना तो तुम ये सब नहीं कर रही होती। किसी और के घर में घुसकर उसकी लवर बनने का नाटक कर रही हो तुम, और किस हद तक जाओगी तुम? मेरे बिस्तर पर सिर्फ मेरी बीवी सो सकती है। हाँ, शायद तुम वो भी कर लोगी। ये क्या, औरत पर आहट उठाता है? कितनी पढ़ाई लिखाई करके यही सीखा है? जब सबके सामने ऐसा कर रहा है तो अकेले में कितना अत्याचार करता होगा। एक औरत पे हाथ उठाया तूने, भगवान माफ नहीं करेगा। सब बोलते जा रहे हैं, यहाँ क्या हुआ किसी को पता भी है? क्यों, इसने यहाँ आकर गलती की क्या? ये बेचारी तुम्हारे लिए खाना लेकर आई है और तुमने इस पर हाथ उठा दिया? बेशरम कहीं के, लज्जा नहीं आती? तूने कुछ देखा? हाँ मैंने देखा। क्या भाभी, आप भी मार खा कर चुपचाप बैठी है? आप भी पलट कर उसे दीजिए। इसका मुझ पर पूरा अधिकार है दिव्या, इसका मारना मुझे बुरा नहीं लगा, पर मुझसे झूठ कहे ये बर्दाश्त नहीं, ये कभी नहीं सुधरेगा। चलिए यहाँ से। दिव्या एक मिनट। हाँ, मुझसे गुस्सा होकर तुम प्लीज भूखे मत रहना। हाँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना, प्लीज खाना खा लेना। हाँ चलो दिव्या। क्या हुआ छोटी, शक्ल उतरी हुई है तेरी? देखो ना मामा, उस भैंसे ने भाभी को फिर मारा। तुम्हारी भाभी को मारा? अभी देखता हूँ। हाँ, इन्हें क्या हुआ, चलो चलते हैं। हे, तेरे मन में जो आएगा वो करेगा क्या है? तुम्हें लगता है कि कोई पूछेगा नहीं तुमसे? सुना है तुमने श्वेता पे हाथ उठाया है, ये जानते हुए कि कल को वो तुम्हारी माँ भी बनने वाली है, फिर भी तुम्हारी हाथ उठाने की हिम्मत कैसे? कुछ भी हो जाए, कोई मामा अपने जवान भांजे पर हाथ उठाता है क्या? शरीर से मोटा है तो क्या सब पर हाथ उठाएगा? तूने क्या सोचा था, मामा है तो मारने पर कोई तुझसे पूछेगा नहीं? अब समझे? ये यहाँ चल क्या रहा है? कुछ देर पहले यही हुआ। आज उसने हाथ उठाने की जरूरत की है, अब चुप बैठने से कुछ नहीं होने वाला, उसका कुछ करना ही होगा। हेलो, अपने बेटे के बारे में मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कहते हैं जहां गुस्सा होता है वहां प्यार भी होता है, लेकिन उसके मन में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। तुम उस निकम्मे से प्यार कैसे कर बैठी बेटा? मैं तुमसे शादी करने के लिए उसे नहीं कहने वाला, क्योंकि वो इसके लायक नहीं है, लेकिन तुमसे पूछता हूं, क्या तुम उससे शादी करके अपना जीवन खुशी से बिता पाओगी? ठीक से सोचकर बताओ। जो सच्चा प्यार करते हैं उनके लिए एक दूसरे का साथ ही काफी होता है। ठीक है बेटी, अच्छा दिन देखकर पंडित से मुहूर्त निकलवा लेता हूँ। इतने सालों में आज पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है। कौन सा काम? उसके लिए तुमने जो ये फोन ऑन रखा है। त्योहार के 6 दिन बाद ठीक 6 तारीख को बड़ा शुभ मुहूर्त है, उस दिन आप मंगनी रख सकते हैं, बाद में सब देवी संभाल लेंगे। अच्छी बात है पंडित जी। सर क्या बात है, अंदर कहाँ चले आ रहे हैं? रुक जाइए। है बुड्ढे, बिना कुछ बताए अंदर घुसे जा रहे हैं। यहाँ गायत्री कौन है? हाँ सर,
वो यहीं पर है, बताइए क्या बात है। गायत्री कहाँ है? अरे सर पहले आप ये तो बताइए कि बात क्या है। गायत्री कहाँ है? आपको गायत्री से क्या काम है? उस लड़की पे मर्डर केस है, इसलिए उसे अरेस्ट करना है। सर लगता है आपको कोई गलत फहमी है। हमें कोई गलत फहमी नहीं है, अब उसे बाहर निकालते हो या पूरे परिवार को अंदर करो। पूरी बात जाने बिना उसे नहीं ले जाने देंगे। मेरे भाई बाहर गए हुए, उनके आने तक आप इंतजार कीजिए। मेरे पास अरेस्ट वारंट है, किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से लड़की को बाहर बुलाओ। गायत्री तुम ही हो क्या? जी हाँ। चलो। अरे बहुत परेशान किया है। अरे क्या हुआ भांजे? सारी फैमिली मातम में बैठी हुई है। उस लड़की को पुलिस ले गई ना, शायद इसलिए। हे भांजे छोड़ो ना मामा, उसकी सच्चाई बतानी पड़ेगी। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कोई तो बोलो। अपने बेटे को छोड़कर किसी बाहर से आई लड़की पर भरोसा कर लिया आप लोगों ने, अब क्या हुआ पापा? ये झूठ कह रहा होगा लेकिन तुम सच कह रही हो मैं जानता हूँ। कैसा लगा सच? माँ ए घर की महालक्ष्मी को रुलाते हुए शर्म नहीं आती, तुझे बेटा कहने में शर्म आ रही है मुझे। अब कैसा लग रहा है? महालक्ष्मी कहाँ है? अब तेरी बारी। हेलो भाभी भाभी भाभी। इतनी खूबसूरत है वो कि मैं उसकी जिंदगी में हूँ, ये मेरी खुशनसीबी है, ऐसा कहा ना तूने? अब कहाँ गई तेरी फेवरेट भाभी। बिना सच जाने ही आप लोगों ने अपने देवता जैसे बेटे को घर से निकाल दिया। दादाजी ले गए ना पुलिस वाले। देखिए ये सब कहकर मैं आपको चिढ़ाना नहीं चाहता हूँ, बस ये बताना चाहता हूँ कि जब कोई सच बोल रहा है तो उसकी बात सुनने में क्या जाता है। दरअसल सच ये है कि मैं बताता हूँ, बेटा इन्हें जो लेकर गई थी वो नकली पुलिस थी। नकली पुलिस, ये आपको कैसे पता चला? आप लोग किस थाने से हैं? नमस्ते सर, और गाड़ी पर ये क्या लिखा हुआ है? सर थाने में गाड़ी थी तभी से लिखा हुआ है सर। पेट्रोल को पेट्रोल लिखकर बेवकूफ बना रहे हो। कोई बचना नहीं चाहिए। वो लोग यहाँ पर नकली वारंट पेपर लेकर आए थे और आप में से किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। भाभी उन सबको छोड़ा तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं सर, उन सब से पुलिस स्टेशन में पूछताछ चल रही है। बाहर के गुंडों से तो हम निपट लेंगे, लेकिन ये आपके घर का मामला है, अब ये कैसे सुलझेगा ये आपको ही देखना है। मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, चलता हूँ सर। जीजा जी मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी, ये बेवकूफी मुझसे हुई है जीजा जी, आपके बेटे कृष्णा के लिए मैंने ये बेवकूफी वाला काम किया जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपको धोखा देने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे निकालिए मत घर से। चलो उठो। तुम दोनों नहीं सुधरोगे। पापा सगाई के लिए अच्छा मुहूर्त देखने गए थे ना, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है, अब उसी दिन शादी होगी, यही मेरा फैसला है। अरे मामा रुक। अरे मुझे माफ कर दे मामा, भागना नहीं। अरे भांजे मुझे छोड़ दे। अरे मेरी गलती नहीं है भांजे। किसने बोला था ये सब बकवास ड्रामा करने के लिए? मुझे घर से बेदखल कर देंगे, मुझे माफ कर दे। बिना बताए करने के लिए
भांजे, अरे रुको, अरे अरे क्या कर रहा है? अरे भांजे, तेरे लिए तो किया ये सब। अरे अगर करना ही था तो इतना बकवास ड्रामा क्यों किया? बोलो मामा, ये लो। भांजे, सोचा हंगामा करना ही है तो फिर क्यों ना बिना बताए ही करूं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ इसका। बिना बताए जो ड्रामा किया उसका रिजल्ट देख लिया ना, उस लड़की को घर से बाहर निकाल कर गायत्री को घर के अंदर लाना ही होगा, पर कैसे पता नहीं मामा, कुछ तो करो। करता हूं। देखा, चकमा दे दिया तुझे। देवी पूजा शुरू हो चुकी है, देवी के अभिषेक के लिए मंदिर में पर्ची काटी जा रही है, इसीलिए भक्तों से अनुरोध है कि कृपया करके देवी के अभिषेक के लिए पहले से ही पर्ची कटवा लें। ए, हाँ जी जाजी, वो मंदिर आ रहा है ना? हाँ, वो कब से बाहर ही खड़ा है। क्यों, वो अंदर नहीं आना चाहता? नहीं आना चाहता। बुलाता हूँ उसे। आज अच्छा दिन है, कोई गाली खाने का काम मत करना। ठीक है जी जाजी। सब कुछ ठीक है ना? ठीक है पापा। तो अब निकल सकते हैं ना? हाँ। गायत्री अभी तक नहीं आई। अरे जाकर देख वो क्यों नहीं आई। पापा वो जेवर गायत्री को दे दीजिए। क्या हुआ बेटी? भाभी बताओ ना, रो क्यों रही हो? बताओ बेटी। कृष्णा ने बड़ी अच्छी लड़की ढूंढ के निकाली है। इतना अच्छा नाचते हो। हाँ, आप लोग भी जवानी में ऐसे नाचते थे ना, सब चलते होंगे है ना। अरे ऐसा क्या कह दिया? पापा मैंने सोचा है कि शादी हम उस मंडप में। हाथ में लाठी है तो कहीं भी फेंक दोगे, बड़ों की इज्जत करना सीखो। छोड़िए ना पापा, गलती से गिर गया होगा। नहीं, जानबूझ के गिराया, अब क्या करेगा, लठबाजी करेगा क्या हमारे साथ? है, अपने बड़ों से कोई ऐसे बात करता है क्या? 5 साल पहले तक यही लठबाजी जीतते आ रहे थे, लेकिन इन्होंने कभी ऐसी बदतमीजी नहीं की। मतलब 5 साल से कोई मर्द नहीं बचा लठबाजी करने के लिए? अच्छा, सब ना मार दे। बहुत गुस्सा आ रहा है तो शर्ट क्यों पकड़ रहा है? जाके लठ उठा ना, मैदान में आके मुकाबला। छोड़ो नहीं तुझे। hey, क्या कर रहा है? तुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? जब जरूरत थी तब तो शहर में जाकर बस गया, अब इसे कहने से क्या फायदा होगा? चल जा यहाँ से। जा, अरे जा रे बच्चे जा, जैसा तेरे बाप ने कहा वैसा। hey, शहर में जाके आइसक्रीम खा, ज्यादा जुबान मत चला, हिम्मत है तो मैदान में आना, वहाँ देखूंगा तुझे। अब जाने भी। चल कृष्णा। अरे मैंने कहा ना चुप हो जा। जा बेटा जा। क्या हुआ आपको? किसी बाहर वाले ने कुछ कह दिया और आप वही बात लेकर बैठ गए? कहा जरूर किसी और ने, लेकिन सुनना तो पड़ा तुम्हारे बेटे की वजह से ही ना। आज तक न जाने कितने लोगों को मैंने लड़ाई में हराया होगा, लेकिन आज तुम्हारे बेटे ने बिना लड़े ही मुझे हरवा दिया। तुम्हारी बात मानकर मैंने उसे जो आजादी दी ना, तो सुनना ही पड़ेगा ना। आप भी तो उसे प्यार करते हैं, इसीलिए उसे आजादी दे रखी है। अब मुझे सुनाने से क्या होगा? छोड़िए ना, अब ज्यादा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। अब
एक और डाल। दादाजी बहुत हो गई, छोड़िए अब। भूल गया, तुझे पीना मैंने ही सिखाया। सही कहा, आपने तो सिखाया है। लेकिन आपने जो सिखाया उसे मैंने आज तक याद रखा है। लेकिन आपका पोता कृष्णा, उसे लठबाजी सिखाई, उसे छोड़कर लड़की के पीछे भागने लगा। जितनी चढ़ी थी तूने सब उतार दी। दादाजी मैंने उतार दी? तुझे नहीं कह रहा, वो जो काली है ना, उसने हमारी बहुत बेइज्जती की। मेरा बस चले तो अपनी लाठी से उसकी अरे हड्डी पसली तोड़ देता ना। ऐसा? मेरे बेटे की शक्ल देखी? मैंने आज तक उसे इतना निराश नहीं देखा। सर झुकाकर खड़ा था। कृष्णा अगर लठबाजी करता तो मेरे बेटे का सर गर्भ से ऊंचा हो जाता। लेकिन कृष्णा को कौन समझा है? दादाजी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मुझे लठबाजी सिखा दीजिए, मैं लड़ूंगा उसके खिलाफ। तू पहले चिप्स दे, उसका कुछ न कुछ करना ही होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ दादाजी, आप मुझे सिखा दीजिए ना, इस घर की इज्जत मैं ही बचाऊंगा। दिन भर घूम कर पैरों में दर्द हो रहा है, बोला तूने और पीने बैठ गया। तू क्या लठबाजी करेगा, चल डाल। ए, अरे मेरे ग्लास में डाल, और डाल, और डाल। लीजिए, ऐसे पियेंगे तो कल पक्का बैंड बजेगा। ये शोर कैसे है? बंद करो। नमस्ते। क्या बात है शंकर, ये बैंड बाजे के साथ तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या है ठाकुर साहब, पिछले 5 सालों से हमारे गांव का कोई भी लठबाजी में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ठाकुर साहब, इतने सालों से जो इस गांव से नहीं हुआ वो अब हो रहा है, सुनकर बहुत खुशी हो रही है ठाकुर साहब। मैं समझा नहीं। ठाकुर साहब, हमारे गांव से कोई भी इस मुकाबले में हिस्सा लेता तो हमें खुशी होती, लेकिन हिस्सा लेने वाला आपके घर से है ये जानकर हमें दुगनी खुशी हुई है। हमारे घर से? दादाजी कहीं दारू पीकर आपने नाम तो नहीं दिया? चुप। देखिए मैं मानता हूँ कि दादाजी ने नाम दिया होगा, लेकिन इस उम्र में उनका लड़ पाना संभव है? आप सब बड़े हैं, आप ही उन्हें समझाइए। मजाक कर लेते हैं शिवा भाई, लठबाजी में दादाजी हिस्सा नहीं ले रहे हैं, छोटा बेटा कृष्णा ले रहा है। कृष्णा ले रहा है? कृष्णा भैया। ठाकुर साहब, मंदिर में उस काली ने आपकी बेइज्जती की थी ना, देखना उसका बदला कृष्णा कैसे लेता आपको है। आपको यकीन है कृष्णा यह मुकाबला जीतेगा? आपका पोता इस मुकाबले में जरूर जीतेगा। लठबाजी में हिस्सा लेकर उसने आपके घर का ही नहीं पूरे गांव का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ठाकुर साहब अब जल्दी से कृष्णा को बुलाइए, हमें उसका सम्मान करना है। कृष्णा छोटे वाले बंगले में? ऐसा है क्या? तो क्या हुआ, छोटे ठाकुर हैं या बड़े ठाकुर, सम्मान ही करना है ना, तो इन्हीं को माला पहना देते। ये भी सही है, उसे मुकाबला जीतने दीजिए, फिर पूरे गांव वाले जश्न मनाएंगे। बधाई हो ठाकुर साहब। चलो भाई चलो चलो चलो। ये सुन के खुश होने की जरूरत नहीं है, कृष्णा ने गुस्से में आकर अपना नाम दे दिया है, लेकिन वो जीतेगा कि नहीं? डर कर छुपने से अच्छा है सामने रहकर दुश्मन का सामना किया जाए। जिस दिन उसने मुकाबले में हिस्सा लेने की सोच ली उसी दिन वो जीत गया। हे शिवा, क्या हुआ जीजा जी? तुम जाकर कृष्णा को घर लेकर आ जाओ। ठीक है। अरे कृष्णा क्या हुआ? माँ कहाँ पर है, उन्हें यहाँ पर बुलाइए। ए तो इतना चिल्ला क्यों रहा है? आप सब चाहते क्या है, पहले ही मुझे घर से बाहर निकाल चुके हैं, अब पूरी जिंदगी के लिए बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्या? क्या हुआ बोलेगा भी? किससे पूछ के मेरा नाम मुकाबले में डाला आपने? कृष ये छोड़ो कि नाम किसने दिया, ये सोचो खानदान की इज्जत का सवाल है। हाँ, आपके खानदान की इज्जत के लिए मैं हाथ पैर तुड़वा कर घर पर बैठ जाऊँ? हाँ, ये कहाँ का न्याय है? ये फैसला पापा ने किया या पूरे घर ने मिलकर मेरी बैंड बजाई है? मुकाबले में मेरा नाम किसने डाला अभी बताइए, बताते हो या नहीं? तुम्हारा नाम मैंने डाला। किससे पूछ के मेरा नाम दिया? मैंने नहीं दिया, तुम्हारे परिवार वालों ने दिया। सरनेम तुम्हारे पापा ने दिया, नाम तुम्हारे दादाजी ने दिया, और तुम्हारी जो डिग्रीज हैं उन्हीं की दिलाई हुई हैं। अपना कहने लायक तुम्हारे पास है ही क्या?
कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पापा का नाम निकाल दोगे तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। जिंदगी में जो भी तुमने चाहा, जिस चीज की ख्वाहिश की, तुम्हारे पेरेंट्स ने वो सब कुछ तुम्हें दिया। एक बेटा होने के नाते तुमने उन्हें क्या दिया? उस दिन तुम्हारी आंखों के सामने एक गैर आदमी ने तुम्हारे पापा की बेइज्जती क्या कर दी, तुमने उसका कॉलर पकड़ लिया। लेकिन वही अपमान तुम्हारी वजह से उन्हें रोज झेलना पड़ता है। उन्हें कैसा लगता होगा, कभी सोचा है तुमने? तो उनके लिए मैं लुंगी पहनकर अपने हाथ पैर तुड़वा लूं, ये चाहती हो क्या? क्यों, उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? तुम्हें कंप्यूटर नहीं दिलवाया, स्टडीज के लिए बाहर नहीं भेजा, तुम्हें पैंट शर्ट नहीं दिलवाई जबकि उन्हें लुंगी शर्ट पसंद है, और तुम उनके लिए लटबाजी नहीं कर सकते? इतना ही नहीं कृष, अगर तुम ये लटबाजी का मुकाबला जीत जाते हो तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी पसंद की लड़की से तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन बीच में शनि की तरह तुम खड़ी हो। जैसे ही तुम मुकाबला जीत जाओगे मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब ठीक है ना? सच कह रही हो? तुम पे विश्वास कैसे करूं, बताओ। तुम्हें मेरी ये शर्त माननी ही पड़ेगी, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। मेरा घर छोड़ने के लिए मुझसे ही शर्त रख रही हो? मेरे यहाँ रहने का कोई कारण है, तुम जीते तो फायदा तुम्हारा है ना कि किसी और का। देखो ठाकुर साहब का बेटा कृष्णा है। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा, गांव का सर जो आज तक नीचे झुका हुआ था तुम्हारी वजह से ऊपर उठ गया। सही बात है बेटा कृष्णा, पहली बार इस लठबाजी में भाग ले रहे हो, पूरा का पूरा गांव इस लठबाजी को देखने के लिए बहुत उत्सुक है। बेटा हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम उस काली को हरा कर इस गांव का नाम रोशन करोगे। शहर में जाने के बाद भी तुम अपने संस्कार नहीं भूले, हमें तुम पर बहुत गर्व है। क्या हुआ बेटा, तुम इतने शांत खड़े हो, मुकाबले में जीत तो जाओगे ना? मैं जीतूंगा। हमारे गांव की हमारे गांव की शान, तुम भी भांजे सीधा सर हिला के घुस गए। वो गांव से नहीं जाने वाली है, बल्कि तुम्हारा पैकअप इस दुनिया से कराने के चक्कर में आए वो भांजे, और तुम्हें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। श्वेता ने मुकाबले में मेरा नाम दिया, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लोगों को मुझसे बहुत उम्मीद है मामा। पता है आज क्या हुआ, लोगों ने मुझे अपने कंधे पर उठाया और उसके बाद सारा गांव घुमाया। वो बहुत खुश थे और पापा भी। पापा खुश हैं ये मेरे लिए काफी है, उनके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। भाई, एक बात पता चली आपको? क्या हुआ? अरे धर्मपुर गांव वाले आपके खिलाफ लड़ने के लिए एक आदमी खड़ा कर रहे हैं भाई। कौन है? कौन है? उस दिन मंदिर में भाई का कॉलर पकड़ा था भाई। उसे क्या लगता है लठबाजी कॉलेज में लड़की घुमाने जितना आसान है? जिस हाथ से मेरा कॉलर पकड़ा था वो हाथ काट दूंगा, आने दो उसे। बकरा खुद हलाल होने के लिए आ रहा है, देखता हूँ उसे। ये क्या देख रहा है? हे भांजे, क्या सोच रहा है भाई? कुछ नहीं मामा, जो भी प्लान बना लो उसे घर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। उसे निकालने का एक ही रास्ता है, लठबाजी जीतना, और वो भी। हे, टेंशन मत ले, अभी से डरने की जरूरत नहीं है, बस तू अपनी तैयारी करता रहे, भगवान ने चाहा तो मैं हूं ना उसके लिए। अरे छोड़ो ना मामा, इधर मुझे कोई और टेंशन है और तुम हो कि? मैंने हाँ तो कर दी है पर अब मुझे डर लगने लगा है। मुझे भी इसी बात का डर है, मैंने जोश में आकर तुम्हारा नाम तो दे दिया, मेरे खातिर तुम्हारे परिवार की इज्जत दांव पर लगी है। मैं रहूं या ना रहूं तुम्हें ये मुकाबला जीतना ही होगा। तो अब क्या करें? मेरे साथ आओ, बताती हूँ। यही मेरा पोता है। हाँ। मैंने अपने बेटे बलदेव को आपके पिता के हवाले किया था, और आज वर्षों बाद मैं अपने पोते को आपके हवाले कर रहा हूँ। अगर आप इसे सिखाएंगे तो ये जीत कर सबका नाम रोशन करेगा। ठाकुर साहब, आपके बेटे को लठ सिखाना हमारे लिए सम्मान की बात होगी, आप बेफिक्र रहें। आपको कुछ कहना है? मैं लठबाजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, बस अपनी खानदान के इज्जत के लिए मुकाबले में उतरने वाला। बस अब देवी माँ को साक्षी मानकर आप ये दक्षिणा स्वीकार कीजिए, देवी माँ मेरे पोते को विजयी बनाना।
कृष्णा तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सबसे जरूरी बात है कि लट को कैसे पकड़ा जाए। लट को अगर ठीक से नहीं पकड़ा तो दुश्मन आसानी से तुम्हें धूल चटा देगा। उठाओ। पापा क्या हुआ ये? कुछ नहीं पापा। लाओ दिखाओ मुझे। दर्द छुपाने से कभी कम नहीं हो जाता, दर्द बांटने से कम होता है। अपने अनुभव से तुम्हें बता रहा हूं, लट्टबाजी के मुकाबले में हर कोई हिस्सा लेता है, मगर जीतता वही है जिसका लक्ष्य सही होता है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। चलो खाना खाओ। ये नज़ारा कितना खूबसूरत है ना। मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ पर अब तक मैंने इसे करीब से नहीं देखा था। जब मन में टेंशन होती है ना तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, पर जब आपके साथ साथी हो तो हर चीज़ अच्छी लगती है। इस जगह अपने मनपसंद साथी के साथ समय बिताने से अच्छा और कुछ भी नहीं है। यही बात अगर गायत्री ने कही होती ना तो पता नहीं मैं कितना खुश होता, लेकिन उससे तो यूएस में सेटल होना है। क्यों, तुम्हें वहां जाने में इंटरेस्ट नहीं है? पहले था पर अब नहीं है, सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? और क्या, पहले मैं अपने घर वालों की नजरों में निकम्मा था पर अब उनकी और गांव वालों की नजरों में हीरो बन गया हूँ। अब इन सबको छोड़ के कैसे जाऊं? ये कहकर उसे कन्विंस करके देखो। कन्विंस करूं? वो इन सब के बारे में नहीं जानती। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बताए? दूसरों को तुम्हारी वजह से दुख न पहुंचे यही सोचते रहते हो। सही हो या गलत, तुम्हारा दिल जो कहता है वही करो। अगर वो तुम्हें समझती है तो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी, नहीं तो मैंने जैसा कहा है वैसा कहो। फिर भी अगर वो नहीं मानती तो मेरे पास ले आओ। तुम्हारे पास तो गलती से भी नहीं लाऊंगा, तुम वैसे भी झूठ बहुत बोलती हो। तुम्हें क्या लगता है झूठ बोलना इतना आसान है? झूठ इस तरह से कहना चाहिए कि सामने वाला आप पर विश्वास कर ले, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोलो और हो गया। झूठ बोलने के लिए टैलेंट चाहिए। झूठ बोलने में पीएचडी है ना तुम्हारे पास? तुम्हारा ये झूठ मुझ पर नहीं चलने वाला, तुम्हारी आंखों में देखकर बता सकता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। डोंट ट्राई दैट विद मी। देखते हैं। ओए, देखते हैं ना। ओके, अब मैं जो कह रही हूँ बताओ सच है या झूठ। कैसे बताऊं समझ में नहीं आ रहा। तुम अगर मुकाबला जीत जाओगे तो तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, कह तो दिया, पर तुम्हें छोड़कर जा पाऊंगी या नहीं पता नहीं। मुझे लगता है मुझे प्यार हो गया है, शायद तुम्हें झूठ लगे पर मेरा प्यार छूटा नहीं। क्रिश, आई लव यू। क्या हुआ, कुछ पता चला? तुम तो बहुत अच्छा झूठ बोल लेती हो। ए भांजे। हाँ बोलो मामा। हाय हाय। तुम्हारी पुरानी दोस्त मिल गई, पूछ रही थी तुम्हें, सोचा लेता चलो, कैसा लगा? ये मामा किस जन्म का बदला ले रहा है? कंट्रोल ये घर है ना। क्या हुआ, यहाँ कैसे आना हुआ? अब जाकर दिल को सुकून मिला, यही है ना असली वाली है?
मैंने कहा था ना मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी, कैसा लगा? मजा आ गया। अच्छा ये बताओ ये कौन है? गाड़ी में भी मुझे बहुत घूर घूर के देख रहा था। मेरी नजर ही ऐसी है मामा। कान मेरे खराब नहीं है भांजे? क्रिश सिर्फ तुम्हारे लिए मैं साड़ी पहन कर आई हूँ और तुमने कुछ भी नहीं कहा। शौक में हूँ ना मैं। मामा पापा यहीं पर आ रहे हैं, कुछ करो। क्या करे भांजे? तुम इसे लायो, तुम ही कुछ करो। हीरो तू है, तू ही सोच। तुम्हारे पापा है ना? मामा जाना। मुझे आशीर्वाद दीजिए अंकल। जीते रहो बेटी, मेरी फ्रेंड है पापा, देवी के उत्सव के लिए आई है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? श्वेता नाम है इसका। ये कैसी हरकत है? सॉरी जी। एक लड़की को अंदर ले जाने के बजाय उसे बाहर खड़ा करके ही बात कर रहे हो? उठाओ इसे। ठीक है जी अजी। चोट तो नहीं लगी ना? नहीं अंकल। ठीक है अंदर चलो। आप चलिए मैं आता हूँ। वो नाम बताने की क्या जरूरत थी? अरे तो मैं क्या करूं, डर के मारे मुंह से निकल गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, पापा बुला रहे हैं, चलो चलो। ये मेरी काकी। ओ हाय आंटी। और ये दिव्या। ओ दिव्या हाय। पता है तुम्हारे भैया ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहा है, पता है वो क्या कहते हैं? अरे दिव्या रोक इसे। मामा कौन है वो लड़की? यही तो है कृष्णा की श्वेता। श्वेता लाइन क्लियर हो गया। हटो 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 हटो। अरे अरे क्रिश क्रिश। सॉरी 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 सॉरी। ये साड़ी तो मैंने दीदी मर गए, लगता है इसने साड़ी पहचान ली। अब क्या करूं? क्रिश ये कौन है? ये हे तो, अरे यहाँ क्यों खड़ा है? हाँ, जा के ऊपर हाँ, बात कर। चलो चलो चलो। क्या देख रही हो? यही है कृष्णा की गर्लफ्रेंड। मेरी माँ। वो तुम्हारे लिए, मेरी तो सासू माँ है। आशीर्वाद दीजिए सासू माँ। यही वो श्वेता है। मेरी फ्रेंड है माँ। हाँ? तुम बहुत थक गई होगी ना, चलो चलो। अरे क्या बात है, सबको मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ क्यों बोल रहे हो? अरे गायत्री मैं क्या कह रहा हूँ वो तो। हाथ मत लगाना। मैंने अपने प्यार के बारे में अभी तक घर पे नहीं बताया। तुमने कहा था तुमने सब बता दिया है। बात तो सही है पर घर के हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मैं बताना चाहता था पर बता नहीं पाया। अच्छे टाइम का इंतजार कर रहा था। तुम्हारे अच्छे टाइम के इंतजार में मेरा यूएस जाने का टाइम हो जाएगा। ए प्लीज तुम अभी बाहर जाकर सबको बता दो कि मैं कौन हूँ, नहीं तो याद रखना मैं जाकर बता दूंगी। ए, बस एक दिन की तो बात है, कल का मुकाबला खत्म होने के बाद मैं सबके सामने सच बता दूंगा। अब तुम खुश हो? ये बात तुम काफी दिनों से कह रहे हो। प्लीज यार कम ऑन। ए छोड़ो अब गुस्सा मत करो, एक ही दिन की तो बात है। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ फिर साथ में खाना खाते हैं। कल का सिर्फ एक दिन है, सिर्फ एक दिन। चलो ठीक okay. है तुम फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर जाता हूँ। ए मामा शर्म नहीं आती क्या? ए भांजे अंदर क्या हो रहा था? अंदर जो भी हो रहा है तुम्हें उससे क्या? ए श्वेता को लेकर तुम्हारा इरादा कहीं बदल तो नहीं गया ना? मुझे नहीं पता। नहीं पता? हाँ नहीं पता। भाभी मर गए यार। बैठो बेटी। थैंक्स अंकल। वैसे तुम करती क्या हो बेटी? यूएस में जॉब करती हूँ, जल्दी से जल्दी वहीं सेटल होने वाली हूँ। वहीं सेटल होने वाली हो? मतलब कौन कौन? ए वो अपने परिवार के साथ जाएगी, तुम खाना खाओ ना। गायत्री तुम बिना जूस पिए ही आ गई। दीदी उसे ऑरेंज जूस पसंद नहीं है, एप्पल जूस पसंद है। अरे वो एप्पल जूस ही था। दिमाग से काम करो, यहाँ पे हमारी इज्जत खराब मत करो। ठीक है जीजा जी। दीदी दो एप्पल जूस चाहिए।
आपके लिए भी बोल दिया। इसको झेलना पड़ेगा क्या? भैया ये कौन है? फ्रेंड है। डियर फ्रेंड है या क्लोज फ्रेंड है? अपना मुंह बंद करके खाना। मुंह बंद करूंगी तो मैं खाऊंगी कैसे? दिव्या, गेस्ट के सामने भैया से इज्जत से बात करनी चाहिए। क्रिश, ये कौन है बताया नहीं? बताता हूँ। बताओ। मेरी भाभी, भैया की इनसे शादी होने वाली है, समझ गई? मैं जा रही हूँ। गायत्री, श्वेता। गए काम से, मर गए। हेलो, कहाँ हो? ऊपर हूँ। मेरे रूम में आओ, तुमसे बात करनी है। नहीं गायत्री, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, घर के लोग गलत समझेंगे ना। गलत समझेंगे? तो क्या तुम सच में उससे शादी करने वाले हो? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए वो लड़की ढूंढ रहे हैं, मुझे क्यों नहीं बताया? जबकि सारे घर वाले तुम उसी लड़की से शादी करने वाले हो कह रहे हैं, क्या ये सच है? कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज मुझे आज का एक दिन दे दो। नहीं क्रिश, मैं जा रही हूँ, तुम सबसे बात करके अपना फैसला मुझे बता देना। एक बार ये मुकाबला हो जाए फिर मैं पापा से बात कर लूंगा, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। तुम टेंशन मत लो, बस एक। क्या हुआ बेटा, इतनी टेंशन में किससे बातें कर रहे हो? वो मुझसे कर रहा है पापा। ऐसा लग रहा है जैसे इस जिंदगी में पहली बार ही सही मुझे प्यार होने लगा है, पर डर भी लग रहा है। क्यों? कल अगर मैं मुकाबला जीत गया तो सारा गांव जश्न मनाएगा, घर वालों के लिए मैंने इतना कुछ किया है ये सोच करके वो भी खुश होंगे, पर उन सब की उम्मीदें मैं पूरी कर पाऊंगा या नहीं? मैं जीतूंगा ना? पर पूरा विश्वास है और मुकाबला जीतना तुम्हारा लक्ष्य है, तुम जरूर जीतोगे। हे, तुम कुछ कहने आई थी ना? आज देवी के उत्सव में धर्मपुर गांव के और सुजानपुर गांव के सारे लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस उत्सव की शुरुआत हम लोग लट्ठबाजी के मुकाबले से करेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा पिछले 5 साल से लगातार जीत हासिल करने वाले सुजानपुर के काली का। ठाकुर साहब भीष्म सिंह के पोते और ठाकुर बलदेव सिंह के बेटे कृष्णा का। दिखा दो उसे कि तुम कौन हो। जा भागे जा, जीत तेरी ही होगी। कोई बात नहीं, जाओ। जा बेटा।
पूरा विश्वास है और मुकाबला जीतना तुम्हारा लक्ष्य है। अपने अनुभव से तुम्हें बता रहा हूँ, लट्टबाजी के मुकाबले में हर कोई हिस्सा लेता है, मगर जीतता वही है जिसका लक्ष्य सही होता है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम जरूर जीतोगे। बोलिए बात सही बेटा।
ठाकुर ने लट्टबाजी का मुकाबला जीत लिया है। सच में कितनी खूबसूरत है ना, यहाँ से वापस जाने का दिल ही नहीं करता। ये सब छोड़कर तुम्हें मेरे साथ आना बहुत मुश्किल होगा, जानती हूँ। तुम मुकाबले में जीत गए और जो नकली गायत्री थी वो भी चली गई। अब हम दोनों को यूएस जाने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी में माँ बाप साथ होने चाहिए, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जिंदगी में माँ बाप साथ होने चाहिए, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? अगर उन्हें देखने की इच्छा है तो तुम उन्हें स्काइप पर देख सकते हो। जब भी तुम उन्हें मिस करोगे वो तुम्हारे पास ही रहेंगे। जब वो साथ हैं हमें उनकी कद्र है, पर जब साथ नहीं रहेंगे तो पल पल हमें उनका एहसास होता रहेगा। स्काइप पे माँ के हाथों से बना खाना देख सकती हो, पर क्या उसे खा भी सकती हो तुम? ऐसी बातें करके तुम मेरा मूड ऑफ कर रहे हो। हम दोनों यूएस जा रहे हैं ये सोचकर मैं कितनी खुश हो गई थी पता है। घर वालों के बिना इस दुनिया की कोई भी चीज हमें खुशी नहीं दे सकती। आप क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ अपने घर वालों को छोड़कर नहीं आ सकता, बस यही कहना था। उस दिन जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने बहाना बना दिया था। तुमसे ही पूछकर मैं सारे इंतजाम करके आई हूँ। वीजा हो गया है, घर देख लिया है, अब ऑल ऑफ सडन तुम क्यों बदल रहे हो? तब मैं प्यार में अंधा हो गया था, पर अब बात कुछ और है। इस गांव और इसके लोगों को मैं छोड़ नहीं सकता। क्यों, मैं नहीं आई क्या? देखो मुझे भी गांव बिल्कुल पसंद नहीं है, सच में पसंद नहीं है, फिर भी तुम्हारे लिए सब छोड़कर आई हूँ ना। उसी तरह तुम भी सब कुछ छोड़कर मेरे साथ यूएस नहीं आ सकते? छोड़ना इतना आसान है क्या? हमारी आंखों पर एक पर्दा पड़ा रहता है और जोश में आकर हम लोगों को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं, पर उन पे क्या बीती है ये सोचा है? यूएस जाकर सेटल होना तुम्हारा सपना है, लेकिन मैं इसी गांव में रहूं ये मेरा सपना है। हम किसी को छोड़कर किसी और को पाना चाहते हैं। प्यार में शर्त नहीं होनी चाहिए, और जिसमें शर्त हो वो प्यार नहीं हो सकता। ये प्यार का मतलब नहीं है, प्यार का मतलब है त्याग। प्यार ना हो तो एक दूसरे के बिना हम 10 महीने भी रह सकते हैं। बिना बात किए 10 महीने रह सकते हैं, अगर है तो हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते। अगर मन में प्यार है तो लोग एक दूसरे को समझ लेते हैं। प्यार में झूठ चलता है, पर हमारा प्यार कभी झूठा नहीं होना चाहिए। सिर्फ रोमांस करना ही प्यार नहीं होता, वो अपने आप दिल से आना चाहिए। प्यार में झूठ चलता है, पर प्यार कभी झूठा नहीं होना चाहिए। और मेरा प्यार झूठा नहीं है। कहाँ जा रही हो बेटा? आज से मुझे इस घर में रहने का हक नहीं है। ये क्या कह रही है? क्या बात है गायत्री? मैं गायत्री नहीं हूँ अंकल। जिस लड़की को आप श्वेता समझ रहे हैं, क्रिश उसी लड़की से प्यार करता है। इतने दिनों से मैं आप सबसे
झूठ बोल रही थी। ये कह क्या रही है? मेरा नाम श्वेता है। अपनी बहन की शादी के लिए जेल से परोल पर बाहर आई हूँ, पर सच में मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती। मेरी बहन की शादी होने तक मुझे सिर छुपाने के लिए एक सेफ जगह चाहिए थी। गले में चेन होने के कारण आप सबने मुझे गायत्री समझ लिया और मैंने उसका फायदा उठाया। मेरी सगी बहन समाज के सामने मुझे स्वीकार नहीं करना चाहती। जो कुछ हुआ मैं उसके लिए आप सब लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ। सब गलती करके जेल जाते हैं, पर मैंने जेल से आने के बाद गलती की। मैंने जो भी गलती की उस सब के लिए आप सब लोगों से माफी मांगती हूँ। ऐसी गलती को माफी भी नहीं मिलती। कृष पर विश्वास ना करके आप लोगों ने आंख बंद करके मुझ पर विश्वास किया और मैंने उस विश्वास को चूर चूर कर दिया। भगवान भी मुझे इस गलती के लिए माफ नहीं करेगा, क्योंकि मेरी ये गलती माफी के काबिल भी नहीं है। मेरा यहां से जाना ही ठीक होगा। अच्छे काम के लिए बोला गया झूठ कई सच से अच्छा होता है। किसी वजह से तुमने झूठ कहा मैं समझ सकता हूं, पर तुमने इस परिवार का हमेशा भला ही सोचा है। इतने सालों में मैं अपने बेटे को बदल नहीं सका, पर तुमने कुछ ही दिनों में उसे बदल दिया। तुम गायत्री हो या श्वेता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस वक्त तुम्हारे गले में वो चेन देखी, उसी वक्त हमने फैसला कर लिया कि तुम ही हमारी बहू हो। उसके लिए तो तुम ही ठीक हो बेटा। तुम उसके साथ रही तो वो हमेशा खुश रहेगा, ये मेरा मन कहता है। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। उसने मेरी वजह से ये मुकाबला नहीं जीता है। मुकाबला जीतने के बाद मैं उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, ऐसा मैंने उससे वादा किया था। गायत्री को हासिल करने की खुशी ने ही उसे ये जीत दिलाई है। गायत्री ही उसका सच्चा प्यार है। उसके बिना क्रिश जी नहीं पाएगा। वो बहुत अच्छी लड़की है। आप लोगों से अपनी बहू बनाकर खुश रहेंगे। जब मैं यहाँ आई थी तब मुझे कुछ नहीं लगा, लेकिन आज जब आप लोगों से बिछड़ रही हूँ, आप लोगों से दूर जा रही हूँ, मेरा मन दुख रहा है। चलती हूँ। भाभी मत जाओ ना भाभी। सब कुछ ठीक कर दूंगी बोलकर बीच में छोड़कर जा रही हो? क्या हुआ, फिर से कुछ प्रॉब्लम हो गई है? तुम तो जानती हो ना कि मेरा परिवार मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कि मैं तुम्हें धोखा देकर किसी और लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मुझसे झूठ कह रहे हो? ये झूठ नहीं है क्रिश, मैं श्वेता हूँ। तुम्हारा झूठ एक मिनट में पकड़ सकती हूँ। ठीक है, अब बताओ कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। मुझे तुम बहुत पसंद हो। ये बात अगर मैं तुमसे पहले कह देता तो शायद तुम ये समझती कि मैं हालात का फायदा उठा रहा हूं। अपने मन में मैंने जिस गायत्री की तस्वीर बनाई थी वो तुम ही हो। अब भी नहीं समझी क्या? सॉरी, तुम्हारी बातों में खो गई थी। पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पर हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं तुम्हारे दिल में इस तरह बसी हुई हूँ।
अब तक मैंने तुम्हें जो कहा वो किसी और के मन की बात थी श्वेता। मेरे मन में क्या है ये तुम जान सको, इसीलिए मैंने उसकी मदद ली। मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैंने अपने मन में गायत्री की क्या तस्वीर बनाई है। मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं था। तुम कुछ भी मत कहो, तुम्हारी बातों में आकर यूएस जाना भूलकर मैं तुम्हारे साथ यही रहने की सोच रही थी, लेकिन अब लगता है वो मेरी भूल थी। हमारे बीच में छोटी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो मैं तुम्हें तुरंत सुना देती हूँ, पर तुम्हारे लिए उसके सिवा और कोई नहीं है, और मुझे लगता है वो भी तुमसे प्यार करती है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। प्यार का मतलब त्याग होता है कहा था ना, तो तुम्हारे लिए मैं अपना प्यार त्यागती हूँ। अगर तुम चाहो तो एक खूबसूरत घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, एक ऐसा परिवार जो तुमसे बहुत प्यार करता है, इससे पहले जब ये चेन तुम्हारे गले में आई थी तभी तकदीर ने हमारा फैसला कर लिया था, आज मैं इस फैसले को मानता हूं। मेरे बारे में क्या जानकर तुमने ये फैसला लिया? जब तुम किसी को दुख नहीं पहुंचा सकती तो तुम इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकती हो? श्वेता, आई लव यू। परोल खत्म होने में कुछ ही वक्त रह गया है, उससे पहले मुझसे शादी कर लो। जो भी होगा शादी के बाद। पर गले तो लग ही सकते हैं।